हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे नए YouTube वीडियो में। दोस्तों, हमारे हाथ में लैक्टिन बोलस हम अपने पशु को कब और किस रोग में देते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, हमारे हाथ में लैक्टिन बोलस। दोस्तों, होता क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा आपकी जो पशु होती है वह दूध नहीं देती है। दूध का देने का मतलब होता है जब अगर आप अपने पशु का दूध निकालने जाते हो तब आपकी पशु लात मारती है, छटकती है, दूध दुहने नहीं देती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम पशु का दूध निकालने जाते हैं तो जैसे लगता है पशु का अदर में दूध बन ही नहीं रहा है, साथ ही साथ तित से दूध निकलता ही नहीं है। पशुपालक सोच पड़ जाता है कि अभी गाय को भैंस को ब्याह हुए महीनों नहीं हुए, इस प्रकार समस्या कैसे हो सकती है, अभी हमारी भैंस ताजी है फिर भी दूध नहीं निकल रहा है, यानी हमारी जो पशु होती है वह दूध चुरा लेती है, दूध नहीं छोड़ती है, उसके तित में दूध आता ही नहीं है, जरा सा भी दूध नहीं आता है। या फिर कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा जो आपकी पशु होती है वह ब्याह जाती है, ब्याहने की 1 महीने 15 दिन 2 महीने बाद एक टाइम की हो जाती है। एक टाइम का मतलब होता है एक टाइम यानी सुबह दूध देती है और शाम को नहीं देती है, या फिर ऐसा होता है शाम को दूध देती है सुबह नहीं देती है, तो पशुपालक को बहुत ही ज़्यादा लॉस होने लगता है। तो उसमें भी हम अपने पशु में लैक्टिन बोलस का प्रयोग कराते हैं जो जिस पशु में एक टाइम की दूध हो जाती है। उसके साथ साथ अगर हम गाय भैंस का बच्चा छोड़ देते हैं दूध पीने के लिए तो बच्चा के लिए भी दूध नहीं निकलता है, गाय भैंस एकदम से दूध छोड़ना बंद कर देती है। अगर आपकी पशुओं में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, यानी जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं हमारी गाय भैंस पिनहाती नहीं है, पिनहा नहीं रही है, तो उसमें भी आप अपने पशुओं में लैक्टिन बोलस का यूज करा सकते हो। यह एक प्रेगनेंसी सेफ दवा है, यानी गाभिन पशु को भी दे सकते हैं और बिना गाभिन पशु को भी दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी इस लैक्टिन बोलस को देने में आपकी पशुओं को। साथ ही साथ आपको यह लैक्टिन बोलस पशु को देना कितना पड़ेगा, इसके MRP क्या है, सारी डिटेल आपको मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें इसे देना कितना है अपने पशु को, आप ध्यान दो, एक बोलस सुबह और एक बोलस शाम को देना होगा, यानी दिन में 2 बोलस, एक बोलस सुबह और एक बोलस शाम। जब आप दूध निकालने जाते हो तो दूध निकालने के आधे घंटे पहले आपको एक बोलस को खिलाना पड़ेगा और सेम यही काम आपको शाम को भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी MRP की तो वो 2 बोलस की MRP है 50 रुपये। आपको ऐसा करीब 10 दिन तक करना पड़ेगा, 10 दिन के बाद आपको अपने पशु को दवा बंद कर देनी है और आपकी पशु ऑटोमेटिक दूध लगना चालू कर देगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद हमारे प्यारे YouTube फैमिली मेम्बर।